हेलो किटी की पार्टी का समय आ गया है। वाओ, ये एरिक है। कॉर्टनी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ करना होगा। हाय, मैं कॉर्टनी हूँ, क्या तुम मेरे साथ घूमने जाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, अब चलो भी, मैं तो बहुत कूल हूँ। लाइट किसने बंद की? क्या पार्टी आज 7 बजे है? मुझे वहाँ जाना ही होगा। ओह, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने मुझे इस तरह से मना किया, और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। ये हेलो किटी पार्टी ही मेरा आखिरी चांस है। मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं भी सुंदर दिख सकती हूँ। ये प्लान पक्का काम करेगा। इस चेकलिस्ट के हिसाब से चलूं तो एरिक पक्का मुझ पर ध्यान देगा। एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। आउच! ओह, मेरी किस्मत। ओह, मैं मॉम का मेकअप इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि वो इसमें किस तरह का सामान रखती होंगी। मुझे देर हो रही है। ठीक है, पहला स्टेप डेपिलेशन। ये बहुत दर्दनाक है। शायद मुझे इसमें कुछ काम का मिल जाए। वैक्स स्ट्रिप्स, ये बढ़िया है। चलो शुरू करते हैं, ये आसान होगा। 1, 2, 3। इससे बहुत दर्द हो रहा है। अरे यार, मैंने इसे और बदतर बना दिया। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। शायद मुझे रेजर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, चलो एक बार इसे इस्तेमाल करके देखती हूँ। आखिरकार अब मैं इन सभी बालों को गुड बाय कह सकती हूँ। एओ, कितने गंदे हैं। पर कम से कम अब मेरे पैर सिल्की स्मूथ हो गए हैं। वाओ, जरा इन मूंछों को देखो। हे, क्यों ना मैं? अब बहुत बेहतर है। ओह नहीं, अच्छी लग रही हो स्केयरक्रो। अब ये छोड़ देती हूँ। क्या ये फोटो एपिलेटर है? हाँ, इससे काम हो जाएगा। आओ, इसमें बहुत दर्द हो रही है, पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वाओ, ये सच में काम कर गया, बहुत बढ़िया। अगला स्टेप आईब्रोज है। वाओ, बहुत अच्छी लग रही हूँ कॉर्टनी। मैं हेलो किटी की तरह ही लग रही हूँ। अफसोस, अच्छा मूड भी पिंपल्स की वजह से बिगड़ सकता है। अच्छा हुआ हमारे पास मदद के लिए हमारी मॉम का ब्यूटी बॉक्स है। इन हेलो किटी पैचेस को देखो, ये बहुत प्यारे हैं, प्यारे और स्टाइलिश। चलो शुरू करते हैं और इन्हें अपने पिंपल्स पर चिपका देते हैं। वाओ, समय इतनी जल्दी खत्म हो गया। देखते हैं कुछ असर हुआ या नहीं। वाओ, इन पैचेस ने बढ़िया काम किया है। कॉर्टनी की स्किन अब एकदम स्मूथ हो गई है। अब बस हेलो किटी के सिग्नेचर विस्कर्स बनाने बाकी है। एकदम बढ़िया है। ओह, अब मुझे सच में सब जल्दी से करना होगा। ठीक है, मुझे बस शांत होना होगा। मेरे नाखून बहुत बकवास लग रहे हैं, ये एकदम भयानक लग रहे हैं। मुझे अभी इन्हें ठीक करना पड़ेगा। मुझे ये चाहिए और ये भी। आसान और जल्दी मैनिक्योर करने के लिए फेक नेल्स और पिंक नेल पॉलिश को कंबाइन करती हूँ। टिप्स को ध्यान से पिंक पेंट करें और हो गया। मुझे पता है मुझे और क्या करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी ग्लिटर चाहिए। बहुत अच्छी लग रही है। बहन, क्या तुम फिर से मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आई? मैं उसे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, बस ध्यान से कि कोई नोटिस ना करे। ले लिया। अब बस इस पर बीट्स को चिपका दो इस तरह से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये इतने प्यारे लग रहे हैं। हमारा फिलाइन मैनिक्योर आखिरकार पूरा हुआ। पार्टी शुरू होने में बस 3 घंटे बचे हैं। बात करने का समय नहीं है, अब ये मेरी स्माइल पर काम करने का समय है। अरे, मेरा काम बहुत मुश्किल होने वाला है। थोड़ी कम इस प्लाक से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी।
ठीक है, टूथपेस्ट, मुझे अब निराश मत करना। ओह, पूरी ताकत लग गई। ओह, मुझे इससे एक आइडिया आया। हम ट्यूब को काटेंगे और अंदर से सारा टूथपेस्ट बाहर निकाल लेंगे। अब आखिरकार मैं अपने दांत साफ कर सकती हूँ। अरे नहीं, मेरा बेचारा दांत टूट गया। इसे ठीक करने के लिए मुझे डेंटल ग्लू का इस्तेमाल करना होगा। अब सब ठीक है, चिंता मत करो, क्रैक को छुपाना आसान है। हम इस पर थोड़े से राइनस्टोन लगा देंगे। उफ, बालों का भी कुछ करना होगा। इस बेकार लुक से भी छुटकारा पाना होगा। वाओ, कितने उलझे हुए हैं। इससे काम नहीं बन रहा। बस बहुत हुआ, मुझे मुसीबत को जड़ से काटना होगा। मैं ब्रांड न्यू हेयरडू करूंगी। ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये फ्रिंज मेरे स्टाइल को खराब कर रहा है। चलो फिर से ट्रस्टी टिकटॉक लाइफ हैक का इस्तेमाल करते हैं। चलो शुरू करते हैं, ये कितना ही मुश्किल होगा। और थोड़ी सी तैयारी के बाद मैं काटना शुरू कर सकती हूँ। अच्छा, कितना प्यारा है। अब पुराने बोरिंग ब्लॉन्ड कलर को गुड बाय कहना होगा। हमें इस काम के लिए बहुत सारी हेयर डाई की जरूरत पड़ेगी। बस डेवलपर में डाल दे और डाई के साथ मिक्स कर दे और फिर मैजिक देखिए। अब बस इसे धोना होगा और वाओ, ये कलर एकदम परफेक्ट है। लेकिन अभी भी कुछ कमी है। हाँ, मुझे कैट ईयर्स चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे पता है वो कहाँ मिलेंगे। मुझे ये दे दो, इतनी लालची मत बनो। इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। अब क्या, सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं। ठीक है, तुम जीत गई। ये लो पैसे, तुम्हारे साथ बिजनेस करके खुशी हुई। वाओ, कितना सॉफ्ट और फजी है। हेलो किटी स्टाइल का मेकअप करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वाओ कॉटनी, तुम ग्लू कर रही हो, बढ़िया काम किया। मैं कितनी सुंदर होती जा रही हूँ। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। एक हार्ट शेप्ड स्टेंसिल को रखती हूँ और फिर इस पर ब्लश लगाती हूँ। एकदम परफेक्ट है। इसके बाद पिंक आईलाइनर लगाने का समय है। मैं इस लुक को क्यूट पिंक हार्ट से और सुंदर बनाऊंगी। ये नियॉन ग्लो इस पार्टी में छा जाएगा। मैं आज रात बहुत प्यारी लगने वाली हूँ। अब मेरे लिप्स की बारी है। ओह, ऐसा लगता है मैंने बड़ी गड़बड़ कर दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये किया। पर रुको, मुझे पता है इसे ठीक कैसे करना है। क्या आपको भी अपने लिप्स पर अच्छे से लिपस्टिक लगाने में परेशानी हो रही है? पहले बस अपने लिप्स के चारों ओर एक मास्क लगाएं और फिर अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगा लें। इसके बाद मास्क हटाएं और देखें। अब चलो अपनी प्यारी फिलाइन नोज का कुछ किया जाए। उसके लिए अपने मेकअप स्पंज पर एक ट्रायंगल बनाएं और धीरे से उसे अपनी नाक पर छाप दें। अब आखिरी डिटेल हेलो किटी के सिग्नेचर विस्कर्स है। ये लुक मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। अरे यार, मेरे पास समय नहीं है। हेलो किटी इसे बिल्कुल कभी नहीं पहनेगी। सोचो कॉटनी, सोचो, इनमें से कोई भी काम का नहीं है। नहीं, नहीं और नहीं। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी होगी। एक्सप्रेस डिलीवरी से मैं ये सब लूंगी। वाओ, इन सब चीजों को देखो। अच्छा, कोई बात नहीं, जल्दी से इन्हें पहनती हूँ। ओह नहीं, ये क्या हो गया? मैं पार्टी में ऐसे नहीं जा सकती। ये सही है, बहुत क्यूट और फजी है। ठीक है, आखिरकार मैं अब जाने के लिए तैयार हूँ। ओह नहीं, मुझे देर हो रही है। चलो चलो, मुझे वहाँ पहुँचना है। ये गलत दरवाजा है, पर अब मैं क्या करूँ? स्कूटर, मुझे यही चाहिए था। मैं इसे कैसे चलाऊं? कॉटनी, ऐसा मत करो। तुम्हें किसी भी कीमत पर पार्टी में पहुंचना होगा। सब लोग मिलकर जोरदार पार्टी करेंगे। हे, मेरे बिना शुरू मत करो। वाओ, ये लड़की कौन है? हाय कॉटी,
मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहती हूँ। रुको, क्या ये कॉटनी है? मैं तुम्हें उसका दिल नहीं तोड़ने दूंगा। यहाँ से चले जाओ लड़के। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कॉटनी, हमेशा से। तुम मेरे वैम्पायरिक ट्रैप में फंस गई हो। शुक्रिया दोस्त, तुम बहुत स्वादिष्ट थे। ये बच्चा एक राक्षस है। एक राक्षस? हाँ, मुझे शरारती बच्चे बहुत पसंद है। वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अगर तुम कोशिश करो तो अच्छी बन सकती हो। हाँ, फिर से सोच लो। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं ये दलिया नहीं खाने वाली। ऐसा लगता है कि आप नानी ढूंढ रहे हैं, है ना? खैर, तो मैं यहाँ हूँ। ओह, तुम सब कितने स्वादिष्ट लग रहे हो। खैर, मुबारक हो, अब तुम लियाना की नई बेबी सिटर हो। हे, ये सब क्या है? हे, मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तुम एक दूसरे को पहले से ही जान चुके हो। ये बहुत अच्छी बात है, सब बढ़िया होगा। वैसे मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। मजे करो लड़कियों। बाय मॉमी, लव यू। रास्ता साफ है और डिनर परोस दिया गया है। पता है क्या, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें खा सकती हूँ। खैर, तुम आज नहीं खा पाओगी दोस्त। वो क्या था? ओह, बस पानी और बेशक कुछ पंख भी। तुम्हें तो पता ही है, ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है। लियाना, ये सब बंद करो, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कॉटनी। ओह, तुम एक वैम्पायर हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अच्छे से रहोगी? बेबी सिटर्स इसी का ध्यान रखते हैं, है ना? ओ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेबी। अपने खाने के मजे लो। ओह, मुझे कुछ वैम्पायर्स वाला काम करना है। मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, फिर मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करती हूँ। खैर खैर, चलो यहाँ देखते हैं। सीरियल, ये बोरिंग है। अब ये ज्यादा मजेदार है। मैं सोच रही हूँ कि क्या कॉटनी को प्रैंक्स पसंद है। चलो देखते हैं कि उसे पसंद है या नहीं। नानी, आप कहाँ हो? मैं आ रही हूँ स्वीटी। क्या हो रहा है? यह क्या हुआ? तुम्हारा सिर अलग कैसे हो गया? हे, परेशान मत हो, ये सिर्फ एक प्रैंक है। एक प्रैंक? ये क्या है? अब वक्त आ गया है कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझे पहले लियाना का ख्याल रखना होगा। हम हाइड एंड सीक क्यों नहीं खेलते? लियाना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाओ, हाइड एंड सीक, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। पहले मैं छुपूंगी। ठीक है, तैयार हो या नहीं? मैं आ गई। तुम कहाँ हो कॉटनी? हटो दोस्त, अब ये मेरी जगह है। मुझे बहुत नींद आ रही है। आहा, ढूंढ लिया। यहाँ कोई नहीं है, शायद यहाँ। ढूंढ लिया। तुम्हें क्या हुआ है कॉटनी? ओह हाँ, मुझे टेबल के नीचे देखना चाहिए। ये बहुत डरावना है। ठीक है, शांत हो जाओ लियाना। स्केलेटन्स अपने आप नहीं हिलते। मुझे बस वहम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे पता है कि उसे कहाँ ढूंढना है। बच के रहना कॉटनी, मैं तुम्हें पकड़ने आ रही हूँ। चलो भी, यहाँ भी नहीं है, ये बहुत गलत है। लाइट्स बंद कर दो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, इसका मतलब है कि तुम हार गई। ओह डेनिस, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, मुझे पूरा यकीन है। ओह नहीं, मुझे देर हो रही है, चलो जल्दी से कपड़े बदल लेती हूँ। सब हो गया। बहुत अच्छी लग रही हो कॉटनी, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो बेबी, हमेशा की तरह। ओह, तुम बहुत अच्छे हो। ये शोर कैसा है? तो फिर मैं उससे मिलने चली गई। तो तुम यहाँ हो लवबर्ड्स? माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी डेट कैंसिल कर रही हूँ। ओह हनी, तुमने अभी तक अपनी कॉकटेल को हाथ भी नहीं लगाया। इसमें गार्लिक है, रेसिपी ये नहीं थी। मेरा मुंह जल रहा है।
मदद करो। ओह भगवान का शुक्र है कि ये काम कर गया। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। खैर मुझे पता है, गार्लिक हमारे प्यार के रास्ते में नहीं आ सकता। मैंने बहुत लंबे वक्त से इसका सपना देखा है। शादी मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी बेबी सिटर है, किसी और की नहीं। क्या गड़बड़ है, तुम जल रहे हो। गुड बाय, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। लिजी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या टेस्ट में तुम आज मेरी मदद करोगी? मुबारक हो, अब तुम असल में एक लूजर हो। क्या क्या कोई है? आओ, तुम्हें मुझे चीटिंग करने देनी चाहिए थी। ओह हाय एडम, थोड़ी देर यहीं रुको। अगर तुम्हें क्लास में जाना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मदद करो, मुझे लूटा जा रहा है। इतने रोंदू मत बनो एडम। लियाना, ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमारे ऑनर स्टूडेंट को अभी जाने दो। जैसा आप कहें मिस मैरी। लियाना, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी है। तुम पूरे स्कूल को परेशान कर रही हो, ये नहीं चलेगा। हाँ मेरी प्यारी बच्ची ने क्या किया है? इस प्यारी लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया है। उसे यहाँ से ले जाओ, मेरी मॉम मुझे मार डालेगी। नानी कॉर्टनी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ओ जरूर स्वीटी। लियाना यहीं रहने वाली है। मैं अभी के अभी रिजाइन कर रही हूँ। तुम अब तक की सबसे अच्छी नानी हो। ठीक है, इतना काफी है। ओह केन, तुम कहाँ हो? मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। केन छुट्टियों पर है। लियाना, जरा इस गंदगी को देखो। ओह नहीं, मेरी बेचारी डॉल, बिना सर के वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ओह स्वीटी, मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। सच में? तो क्यों ना हम थोड़ा मेकओवर करें? मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। लियाना, मैं ऐसे और नहीं रह सकती। ये लो एक बार देखो। सच में? तुम्हें पता है ना कि मैं एक वैम्पायर हूँ। ठीक है, ओ ठीक है, मैं बस एक पोर्ट्रेट बनाऊंगी। मैं नहीं देख सकती। क्या तुम कुछ भूल नहीं रही? ठीक है, तो प्लीज बैठ जाओ, मैं तुम्हारे हेयर स्टाइल पर काम करने वाली हूँ। हे, हिलना बंद करो मिस बेबी सिटर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। इस भयानक चीज को बंद करो। मेरे अनमोल बाल, इन्हें क्या हुआ? चलो कुछ हेयर क्लिप का इस्तेमाल करें। ठीक है। खैर स्वीटी, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है, लेकिन मुझे एक बेड टाइम स्टोरी सुननी है। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। बेड टाइम स्टोरी के लिए कभी देर नहीं होती। ठीक है। हे, क्या सब ठीक है नानी? यहाँ कोई नानी नहीं है स्वीटी, मैं बस एक फेरी हूँ। और ये फेरी तुम्हें सोने के लिए कह रही है। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। ओह अच्छा, यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरी बेबी सिटर वापस चाहिए। ओह लियाना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मुझे यकीन है कि इस सिचुएशन को ठीक करने में वेंसडे हमारी मदद कर सकती है। यहाँ से निकल जाओ। शू, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती कॉर्टनी। ओह ठीक है, मैं हार गई लियाना। वो मुझे सोने से पहले बिल्कुल इसी की ही जरूरत थी। लियाना, ओह मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। क्या घर पर कोई है? ये टेडी की जगह है, हम डिनर करने वाले हैं। क्या किसी ने डिनर कहा? लियाना, तुम स्वादिष्ट लग रही हो। ओह तुम सही हो, हम थोड़े नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह नहीं, होश में आओ कॉर्टनी, वो सिर्फ एक बच्ची है। मुझे जल्दी करना होगा और डिलीवरी लेनी होगी। नहीं, ओह अब तुम कुछ पसंद आ रही हो। बढ़िया सर्विस है। अरे यार, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अंदर आ जाओ डियरी, शर्माओ मत। मैं कहाँ हूँ? क्या तुम मुझे किडनैप कर रही हो? ओह मिस जेन, आप हमसे मिलने आई हैं। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मेरे पास कुछ टेस्ट है। तुमने बहुत अच्छा किया है लियाना, इसमें तुम्हें A+ मिलना चाहिए। तुमने मेरा डिनर बर्बाद कर दिया। मॉम आज वापस आ रही है। आखिरकार, मैंने उन्हें बहुत मिस किया। क्या आपने अपनी छुट्टियों पर मजे किए? मिस मेरी, क्या आप ठीक हैं? ओह हाँ, मैं बढ़िया हूँ। ओह ये नुकीले दांत आप पर सच में अच्छे लग रहे हैं। क्या तुम्हें मेरे जैसा पेयर चाहिए?
ओह मिस मेवी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या किसी को एक बेटी चाहिए? किसी को भी? सर, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। क्या आप मेरे पेरेंट्स नहीं बनोगे? हाँ, मुझे नहीं लगता। सुनकर दुख हुआ। शानदार, मुझे अब इसकी आदत पड़ रही है। खैर खैर, देखते हैं यहाँ पर क्या है। टेस्टी खाना सबसे नीचे होता है। हाँ, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। बिल्कुल नहीं। वैसे बच्चे बिना पेरेंट्स के नहीं होने चाहिए। सॉलिड गोल्ड और ताजा खून, परफेक्ट ब्रेकफास्ट। अब मेरे सामने से हटो तुम। ओ नहीं, किसी बच्चे को मदद की जरूरत है। वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। हम साथ मिलकर बहुत मजे करेंगे। डियरी, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अपने हाथ इससे दूर रखो। ऐसा नहीं होने वाला। ए, तुम लड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों बहुत अच्छी हो। तुम दोनों मेरी मॉम बन सकती हो। अंदर आओ स्वीटी, अंदर आओ। ओह, तुम आज थक गई होगी। मेरा क्या, मुझे अंदर आने दो। मुझे माफ करना, लेकिन गरीब लोगों का यहाँ आना मना है। ये ठीक नहीं है। खैर लियाना, आज से ये तुम्हारा घर है। यहाँ आराम से रहो। ओह, ये एक महंगा पिलो है, पर ये मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। चिंता मत करो डियर। जैक, जल्दी आओ, मुझे एक आम बेड की जरूरत है। ये लो तुम्हारा नया बेड, तुम्हें पसंद आया। मैं बहुत थकी हुई हूँ। स्वीट ड्रीम्स हनी, कल आखिरकार तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होगी। ओह, ये एक तूफान है, बचाओ। ओह नहीं, ये बहुत डरावना है। चिंता मत करो, मॉमी आ गई हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाती हूँ। वाओ, जल्दी आओ डियर। खैर लियाना, मैं यहाँ रहती हूँ। ये तो बहुत आरामदायक है। मुझे ये जगह पसंद आई, पर इतना चलने के बाद मुझे भूख लग गई है। ठीक है, इससे काम नहीं बनेगा। क्या हम एक पिज्जा ऑर्डर करें? मॉमी, जो भी तुम कहो हनी। हेलो, हमें आपका सबसे बड़ा पिज्जा चाहिए, प्लीज। मुझे खुशबू आ रही है। पैसे तो दे दो। आखिरकार खाना आ गया है। अब ठीक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये पिज्जा इतना टेस्टी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कुरियर वाली कितनी टेस्टी है। मॉम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अब जा सकती हो शायद। वो ये क्या है? मैं तुम्हें एक नया स्कूटर दे रही हूँ। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ध्यान से लियाना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉमी अपने काम में बहुत बिजी है। जाओ और अपनी डॉल्स के साथ खेलो डियर। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट का जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मेरी डॉल, ओह नहीं, मेरा लैपटॉप। मेरी सबसे बड़ी डील पूरी बर्बाद हो गई है। बस बहुत हुआ। हेलो, मुझे सबसे अच्छी नानी चाहिए। पैसों की चिंता मत करना, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मिस कॉर्टनी, क्या तुम मेरी डॉल ठीक कर सकती हो? मिस, मुझसे दूर रहो और पास मत आना। ओह, ये हम देख लेंगे। ध्यान से नानी। तुम क्या कर रही हो? तुम बहुत शरारती हो लियाना। मॉम, मेरी बेटी को कोई बाइट नहीं करेगा। अब मेरे घर से बाहर निकलो। आपने मुझे बचा लिया। हाँ, बचाना ही था। अब टेस्ट का समय है। अफ, ये मुश्किल होने वाला है। हे मैगी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? बिल्कुल नहीं लियाना, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। ओह, तुम बहुत बुरी हो। क्या तुम मुसीबत में हो स्वीटी? खैर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अभी आती हूँ। मॉम, आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं मैथ्स में अच्छी हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? स्कूल में स्वागत है मिस कॉर्टनी। हेलो, यहाँ पर टीचर कौन है? मेरी बेटी को A+ देने के कितने पैसे लगेंगे? तो फिर अब प्लान बी का समय है। तुम एक बहुत अच्छी टीचर हो, और तुम्हें लगता है लियाना को A मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम्हें A+ मिलना चाहिए।
तुम्हारे बालों को ब्रशिंग की जरूरत है स्वीटी। अच्छू, ओह मेरा दांत। ओह आज तुम्हारे लिए एक खास दिन है, ये लो एक रिप्लेसमेंट फैंग हनी, जल्दी इसे लगाओ। ओह ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। मैरी ये बहुत बुरा है, इस घटिया चीज को उतारो स्वीटी। तुम चाहे जो भी कहो, हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। डॉक्टर हमें आपकी मदद चाहिए, मेरी बेटी को एक दांत बदलवाना है। यहाँ आराम से बैठो और हाँ बिल्कुल, पैसों की कोई कमी नहीं है, आप समझे नहीं डॉक्टर। इसके जैसी अमीर लड़की को महंगे दांत चाहिए। हो गया, वाह ये बहुत अच्छे हैं। जल्दी से इसे खा कर देखो, मुझे यकीन है आपको ये पसंद आएगा। मैंने इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डाला है, बुरा ना मानो तो पहले ये मैं खाऊंगी। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, बस इसे खाओ। ओह मुझे भी ये खाने का इंतजार नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ओह मैं जल रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। जैक यहाँ आओ। पानी, मुझे पानी चाहिए जल्दी। पर तुम्हारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट कहाँ है? ओह ये गार्लिक सॉस है, तो ये बात है। लियाना मैं भूल गई थी कि आप दोनों वैम्पायर्स हैं। हैप्पी बर्थडे स्वीटी, तुम्हें मेरा प्रेजेंट पसंद आया। ओह ये पिकाचू है। वो एक केक, फिर से अपने महंगे तोहफे ले आई। प्लीज मॉम बहस मत करो, तुम अब नहीं बच्चों की कॉटनी, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी मैरी। ये लो। क्या आप ठीक है मॉम? अब बहुत हुआ मैरी, मेरे स्टेक से हेलो कहो। मैं आप दोनों को ऐसे लड़ते नहीं देख सकती, माफ करना मैं जा रही हूँ। क्या तुमने वो सुना कॉटनी? ओह हमने क्या कर दिया? स्वीटी वापस आ जाओ प्लीज, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम कहाँ हो लियाना? ये एक अच्छा आइडिया है कॉटनी, अब हम लियाना को जरूर ढूंढ लेंगे। मैं अब फिर से अकेली हूँ, प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ, मैं एक वैम्पायर बनना चाहती हूँ। खैर क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने हमेशा इसी का सपना देखा था। हाय मैं आपका स्वागत है, लेकिन रुको सभी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? ये रहा पहला खून पीने वाला, स्कूल में तुम्हारा स्वागत है मेबी। आउच देख कर उड़ो लूजर, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। हे संभल कर, मुझे यकीन है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी, मेरी बात को याद रखना, मेरे पैर को छोड़ो। हाय मैं मिया हूँ। खैर इसी के साथ आगे बढ़ो, क्या तुम जानती भी हो कि तुम किससे उलझ रही हो? गरीब, ये लो पकड़ो। ठीक है मेरे पीछे चलते रहो और बने रहो। ये रहे तुम्हारे कमरे, लड़कियों ठंडा अंधेरा और मकड़ियों से भरा हुआ। अब शांत हो जाओ और क्लास के लिए लेट मत होना। बर, यहाँ सच में बहुत ठंड है, ये काफी आरामदायक है, मुझे ये पसंद है। ये कार्डबोर्ड बहुत बेकार है, मुझे यहाँ पड़ोसियों की जरूरत नहीं है। शुक लेकिन मैं सोच रही हूँ मौली क्या कर रही होगी, चलो चल कर देखते हैं। मुझे निराश मत करना नन्हे दोस्त, मुझे तुम पर भरोसा है, चलो ये करते हैं। खैर ये यकीनन एक मजेदार साल होने वाला है। तुम कहाँ से आए? मेरे बाथरूम से निकलो और वापस मत आना। गुस्सा होने की कोई वजह नहीं थी, तुम्हें पता है। आउच दर्द हो रहा है। वैम्पायर स्टूडेंट्स के पहले प्रैक्टिकल लेसन का समय है। वो बहुत क्यूट, तुम कौन हो? ओह नहीं ये तो भेड़िया है। ठीक है चलो जल्दबाजी में कुछ ना करें। ओह ये वैम्पायर वर्सेस भेड़िया की लड़ाई है। इधर आओ पपी, तुम चाहती हो मैं ऐसा करूं? तुम इतनी आसानी से मुझे फंसा नहीं सकती, तो अब कौन मेरे दांतों का स्वाद लेना चाहता है? नहीं मुझे मत खाना, ये लो दुश्मन, मैं इतनी अमीर हूँ कि खुद को बचा सकती हूँ। ये लो समय खत्म हुआ, खून पीने वाली लहसुन का मजा लो। मदद करो, कुछ करो मियाँ, हमारा काम हो गया मियाँ। चलो तुम दोनों को अलविदा। ओह नहीं मैं डर गई,
गुदगुदी हो रही है। ये कितना अजीब तरीका है। बहुत अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था। खैर मुझे कहना होगा तुम सब ए डिजर्व करते हो। यार मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाथ उठाओ, पहले पैसे दो बच्चे। ये गलत है, स्कूल में स्वागत है। जो भी है मैं अपने लिए खुद खाना ढूंढ लूंगी। हम क्या खा सकते हैं यहाँ? चलो आगे बढ़े और तुम भी। स्वादिष्ट। एओ, बहुत गंदा है। ठीक है चलो मेन्यू देखे। ये सब बहुत फीका है। इधर आओ, मैं अमीर हूँ। जैसा आप कहें मिस मॉली, मुझे कुछ स्पेशल खाना है। अभी आया। आपकी सर्विस में हर तरह की क्विजीन हाजिर है। ये अब ये है अच्छी सर्विस। ये हुई ना बात। मुझे लगता है मैं जापानीज खाना खाना चाहूँगी। आइडिया अच्छा है मॉली, शुक्रिया बेस्टी। सभी लोग सुनो, एक गुड न्यूज है। आज हमारा एक खतरनाक एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले ये रहा एग्जाम्पल। फिक्र मत करो स्वीटी, वैम्पायर को ये जानना होगा कि डर और आतंक को कैसे बढ़ाएं। क्या हुआ? ये रही आपकी घड़ी ग्रैंडमा। अलविदा। ठीक है यंग लेडी, तुम्हारी बारी। अपने शिकार को हेलो कहो। ये मजेदार है ना मॉली? मुझे ए चाहिए। ये रहा पहला शिकार। मिया के पास इनके लिए एक डरावना सरप्राइज है। कौन है? क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है? ये बहुत डरावना है। एक मिनट रुको। फिक्र मत करो बेस्टी, हम अभी तुम्हारे पिंपल को ठीक कर देंगे। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब तुम अपने आसपास के लोगों को नहीं डराओगी। ठीक है अब तुम साथ चल सकती हो। इस बीच शिकार को कोई शक नहीं हुआ। हाय बर्डी, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुम्हारी पहुँच से बाहर हूँ। एओ, क्या तुमने कभी अपने दांत साफ किए हैं? इन प्यार के पंछियों को देखो, ये नहीं जानते ये अभी कब्र में जाने वाले हैं। हेलो लव बर्ड्स। मुझे डर का स्वाद पसंद है। ऐसा लगता है आखिरकार कोई इस टेस्ट में फेल होने वाला है। यकीनन मिस मेरी को ये पसंद नहीं आएगा। ये देखो मियाँ, क्या कोई यहाँ है? क्या तुम एक बूढ़ी औरत की मदद कर सकते हो? मुझे लगता है इन्होंने अपना चश्मा खो दिया है। मॉली, ये रहे वो। तुम्हें हमेशा जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। ये लीजिए ग्रैनी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वीटी। बहुत ही रुक जाओ तुम तो। कोई मुझे स्टेक लेकर दो, यहाँ पर वैम्पायर है। वो आखिरकार हम किसी को डराने में कामयाब हुए। ठीक है लड़कियों, दिखाओ मुझे वो सिग्नेचर वैम्पायर एथलेटिसिज्म। बीवी, तुम बैटिंग करोगी। मिया, तुम कैच करोगी और शुरू करो। ये क्या शॉट है? क्या तुमने देखा मिया? मैं भाग रही हूँ। बस ज्यादा दूर मत जाना। मेरे लिए रुको, लगभग पकड़ लिया। मिल गई। अरे मैं लाजवाब हूँ है ना? मुझे यकीन है मैं हूँ। अच्छा काम किया मियाँ। जरा इन फैंग्स को देखो, हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। मॉली, हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। चलो भी, मैं ये आज नहीं कर सकती। मिस मैरी, मैंने हील्स पहनी है, बिल्कुल नए बैलेंसियागा कलेक्शन के। खैर अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊँ तो? आप मुझे क्या दिखाना चाहती हैं? अरे नहीं, ये मेरे सपनों का वैम्पायर है। बस आप इंतजार करो, मैं लेकर आती हूँ। मुझे तुम्हें कोशिश करते देख खुशी हो रही है। मॉली, हे सुनो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो इससे दूर रहो। तो तुम बहुत डरावनी हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मॉली, मैं कह रहा था मैं, तुम मुझे बाद में बताना डैन। मैं कहाँ हूँ? हाय दोस्त, मैं भी यहाँ फंसी हूँ। खैर मॉली, तुम्हें एक जबरदस्त ए मिला। अच्छा तो चलो देखे हमारे पास यहाँ क्या है। बुरा नहीं है, हर तरह की ब्लड रिच ड्रिंक। खैर मुझे आज एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत नहीं है। स्वादिष्ट और मेरी आर्टरीज के लिए भी अच्छा है। हाय मिया, मुझे भी ट्राई करना है। मेरी जैसी गरीब वैम्पायर ये अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन कोई बात नहीं, ये इतना बुरा नहीं है। क्या? हे, ये गलत है, मुझे मेरी ड्रिंक दो। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये चीज मजबूत है, मैं खरोच भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे फैंस हैंडल नहीं कर पाए। मिया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चलो चले। एक कॉइन, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। क्या मेरा ब्लड सोडा कहाँ गया? क्या तुम्हें किसी ने शेयर करना नहीं सिखाया? ये बहुत गलत है। ठीक है लेडीज, आज हम नया टॉपिक करेंगे। अब
कौन क्लास को इसके बारे में बताना चाहेगा? चलो भी, शर्माओ मत, मुझे कोई हाथ नहीं दिख रहा। लेडीज देखो, ये रहा मेरा हाथ। मिस मैरी, मुझे कहना होगा, तुम मुझे निराश कर रहे हो। ठीक है, तुम जीती मियाँ, बाहर आओ। ओह हाँ, मैं करूँगी। ठीक है, हम कहाँ से शुरू करें? मैं पूरी रात लाइब्रेरी में थी। अरे, काउंट ड्रैकुला का खूनी शासन शुरू होता है, जितना जाना उतना कम। लेकिन कभी कभी नई चीजें सीखने में बहुत थकान हो जाती है, और 500 साल बाद ट्रांसिल्वेनिया बन जाता है एक। हे, तुम्हें क्या हुआ? ओ हाँ हाँ, ए प्लस, क्या बात है, तुमने बहुत अच्छा किया मियाँ। ओह, ये कितनी पढ़ाकू है, मेरी प्रेजेंटेशन इससे ज्यादा मजेदार है। ओ, ये क्या है मॉली? ये वो है मिस मैरी। ट्रिम्बल क्विक, देखो मेरे अंकल ब्लेड ड्रैकुला। हेलो जवान, मेरे फैंस अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। तुमने मुझे उठाया क्यों प्यारी मौली? मैं एक बुरा सपना देख रहा था, तुम ज्यादा शरारत मत करो। खैर, मुझे लगता है वो अभी अच्छे मूड में नहीं थे। उप्स, क्या तुमने वो देखा मियाँ? इस स्कूल को सफाई की जरूरत है। ओ, जेनिटर चाहिए मिस। उफ, इतनी सारी धूल। यहाँ कौन है? तुम पूरे कॉरिडोर में टमाटर का जूस कैसे फैला सकते हो? आखिर एक इंसान यहाँ क्या कर रही है? रुको, कॉरिडोर सफाई के लिए बंद है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। ये क्या है? तुम कहाँ गई? कितनी अजीब है। रुको, मैंने अभी इन फ्लोर्स को साफ किया है, घूमने के लिए कोई और फ्लोर ढूंढो। ओ, ये बच्चे बड़े ही बदतमीज हैं। और अब मुझे भी चोट लग गई। ओ, हाय, मदद की जरूरत है। रुको, ये मत करो। ओ, मुझे यकीन नहीं होता तुमने ये दोबारा किया। ये इस हफ्ते की 10वीं जेनिटर है। खैर लेडीज, सफाई शुरू करो। मकड़ी के जाले को मत छूना, मुझे इस साल वो बहुत पसंद आए हैं। हेलो लड़कियों, ये साल बहुत ही प्रोडक्टिव रहा, और आज मुझे तुम्हें डिप्लोमा देते हुए खुशी हो रही है। मियाँ, तुम हमारे स्कूल की आज तक की सबसे समझदार वैम्पायर हो, और तो और तुमने ये सारे इनाम जीते हैं। अब तुम्हारी बारी है मौली। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। ओह मौली, मुझे पता था आखिर में तुम कर लोगी। मुझे तुम पर भी गर्व है मेवी। मैं तुम सभी लड़कियों को बहुत याद करूंगी। चलो अब एक यादगार फोटो ले। क्या तुम तैयार हो? तुम मुस्कुराओ।